नमस्कार, देश ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव मंडराल और नेचर काफी खतरे में है। पूरी दुनिया में इसका प्रकोप आप देख सकते हैं। जंगल धीरे धीरे करके खत्म होता जा रहा है। चाहे उसकी बात करें तो उसमें चाहे जंगल में आग लग जाए या अगर सबसे बड़ी अगर हम बात करें कमी की है, जो सबसे बड़ा रीजन है जिससे नेचर हमारा और जो हमारे फॉरेस्ट है वो खतरे में है, वो है इंडस्ट्रियल एरिया जो है। इसमें काफी डिमांड है लकड़ियों की, जो अलग अलग तरीके से यूज करा जाता है। कहीं पे ये फ्यूल के तौर पे यूज करा जाता है, कहीं पे ये अलग अलग तरीकों से यूज करा जाता है। इस वजह से जो हमारा नेचर है वो इस तरह से खतरे में आ चुका है कि वो खत्म होने के तदाद पे है। और ऐसे ही गाय के सॉल्ट एंड गोबर से अब बनाई जा रही है लकड़ियां। जी हाँ, ये लकड़ियां दाह संस्कार और इंडस्ट्रियल जरूरतें पूरी करेगी। जामनगर के आणंदा बाबा सेवा संस्था ने इसकी पहल की है और गुजरात के जामनगर में ये काम अब चालू हो चुका है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। और अभी अगर बात करें तो ये जो लकड़ियाँ जो गोबर से बनाई जा रही है, इसका जो डिज़ाइन है ये गौ इसके डिज़ाइन के अंदर अगर बात करें तो ये लंबे लंबे फट्टे जो लकड़ियों के ब्लॉक्स होते हैं उसकी तरह ये डिज़ाइन है। इसका आकार उसकी तरह और इसके अंदर एक छेद है जिससे आसानी से यह लकड़ियाँ जल सकती है। और अगर बात करें तो इसके अंदर जो मात्रा होती है क्लोरोफिल की मात्रा जितनी होती है वो वैल्यू है 8000 kg। जी हाँ, और इसकी वजह से ये लकड़ियाँ काफ़ी लंबे समय तक जल भी सकती है। और अगर बात करें तो नॉर्मल लकड़ियाँ जो होती है उसके अंदर जो पानी की जो मात्रा की है जो फीसदी होती है वो 12 से लेकर 15 होती है। और इन गोबर से बनाई जाने वाली लकड़ियों में सिर्फ 2 से लेकर 3% इससे ज़्यादा मात्रा नहीं होती पानी की। और ये लकड़ियाँ जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से जलती है। और जो गुजरात के जो गौशाला हो उन्होंने अपना सहयोग दिया है कि वो जो गौशाला से इकट्ठा हुआ हुआ गोबर वो इनको देते हैं और इसके बाद ये जो प्रोसेस है गोबर से लकड़ी बनाने वाला ये चालू होता है। और अगर ये प्रोसेस सक्सेसफुल और ये काम में आता है तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे नेचर भी बचा रहेगा और इंडस्ट्रियल जो एरिया की डिमांड है वो भी पूरी हो जाएगी इससे। और अगर देखा जाए तो ये चीज़ हमारे नेचर के लिए और हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि फ्यूचर में हमें ऐसे ही फ्यूल और ऐसे ही सोर्सेज की और ज़रूरत है जिससे हम अपने नेचर को बचा सके। और जो ये सब ऑर्गेनिक चीज़ें इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल देश ऑनलाइन। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप अपडेट पाएं हमारे नई वीडियो।